हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम इतिहास का पार्ट 7 देखेंगे, असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। तब हम देखेंगे कि 1920 ईस्वी से 1947 तक का जो कालखंड था वो किस तरह से गांधी युग के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है कई सारे आंदोलन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न हमारा बनता है कि गांधी युग कौन से कालखंड को या किस कालखंड को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना, 1920 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का जो कालखंड था उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 ईस्वी में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आई। इसके पिछले पार्ट में अध्ययन कर चुके हैं कि 1920 ईस्वी में जब लोकमान्य तिलक का निधन हो गया तो राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्र का आंदोलन था, उसकी सारी देखरेख उसकी बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आ गई। लोकमान्य तिलक का निधन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। लोकमान्य तिलक के निधन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में आ गई? यहाँ पे हमें आंसर मिलता है कि महात्मा गांधी के हाथ में आई। अब इसे गांधी युग कहा जाता है क्योंकि ये जो भी है आंदोलन है यहाँ पर गांधी जी द्वारा किए गए, जो भी सत्याग्रह है वो सब गांधी जी द्वारा किए गए। तो गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सूत्रों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की नई दिशा दी। तो एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने किन सूत्रों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता युद्ध को नई दिशा दी? तो गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सूत्रों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता युद्ध को एक नई दिशा दी। गांधी जी के प्रभावी नेतृत्व के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक व्यापक हुआ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नया युग प्रारंभ हुआ। तो इसी काल में 1920 के बाद जो है यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक नया युग प्रारंभ किया गांधी जी ने। अब हम देखेंगे कि गांधी जी ने किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाया। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कार्य गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से कार्य किए? महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में वकालत के काम से दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, कौन से ईस्वी में गए थे या कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। यह खाली स्थान के लिए आ सकता है कि खाली स्थान में वकालत के काम से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो 1853 ईस्वी में, या इस तरह से पूछा जा सकता है 1853 ईस्वी में वकालत के काम से गांधी जी खालिस्तान गए थे तो हमें उत्तर मिलेगा दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का उपनिवेश था। दक्षिण अफ्रीका किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का। अर्थात इंग्लैंड ने वहाँ पर अपने कुछ स्थान स्थापित किए थे, उसे कहा गया उपनिवेश। वहाँ अनेक भारतीय उद्योग, व्यापार तथा काम धंधों के लिए स्थायी रूप से में बस गए थे। अब दक्षिण अफ्रीका में कई सारे भारतीय लोग जो थे वो उद्योग और व्यापार काम धंधों के लिए वहाँ पर स्थायी रूप से बस गए थे। वहाँ के हिंदी अर्थात भारतीय लोगों के साथ अपराधी की भांति व्यवहार किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत ही अन्यायकारक व्यवहार किया जाता था, उनका हर स्थान पर अपमान किया जाता था। 1906 ईस्वी में शासन ने एक आदेश निकालकर अश्वेत वर्णियों को अपना पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया। अश्वेत वर्णी, श्वेत मतलब होता है सफेद,
और ये है अश्वेत वर्णीय अर्थात काला रंग। तो काला रंग जो है उनको उन्हें जो है अपना पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया था। उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए। गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर इन अन्याय के विरुद्ध वहां के लोगों को न्याय प्राप्त करा दिया। अर्थात दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे वहां पे इंग्लैंड का उपनिवेश था, इसलिए वहां पे उनके साथ एक अन्यायकारक व्यवहार किया जाता था। उन्हें ऐसा कहा गया था जो अश्वेत वर्णीय है अर्थात जो सफेद रंग के नहीं है अर्थात काले रंग के हैं, तो उन सभी के पास पहचान पत्र होना चाहिए। और इसके लिए उस अन्यायकारक प्रतिबंध लगाए गए थे दक्षिण अफ्रीका पर, तो यहाँ पर गांधी जी ने स्वतंत्रता के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर उन्हें न्याय दिलाया। और उसके बाद जो है अब हम देखेंगे कि गांधी जी का भारत में आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से फिर भारत में आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। तो यहाँ पे खालिस्तान का क्वेश्चन बनता है हमारा कि खालिस्तान के परामर्श पर गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। तो उत्तर हमको यहाँ पे मिलता है नामदार गोपाल कृष्ण गोखले। सामान्य लोगों का दुख और दरिद्रता देखकर उन्होंने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। अर्थात उन्होंने शपथ ली कि अब मैं राष्ट्र की सेवा करूँगा। तो क्या देखकर उन्होंने राष्ट्र सेवा का गांधी जी ने राष्ट्र सेवा का शपथ लिया? सामान्य लोगों के दुख और दरिद्रता को देखकर गांधी जी ने राष्ट्र सेवा अर्थात देश की सेवा का व्रत लिया। वे अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे आश्रम में रहने लगे। सामान्य लोगों को न्याय प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह की अभिनव तकनीक का अवलंबन किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि गांधी जी कहाँ रहते थे? तो गांधी जी अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे आश्रम में रहते थे। गांधी जी ने सामान्य लोगों को न्याय दिलाने के लिए किस तकनीक का अवलंबन किया? तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है कि सामान्य लोगों को न्याय प्राप्त कराने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह की नीति का, सत्याग्रह की तकनीक का अवलंबन किया। अब हम देखेंगे कि सत्याग्रह का दर्शन, कि सत्याग्रह क्या था, गांधी जी के इस सत्याग्रह का स्वरूप क्या था। गांधी जी ने सत्याग्रह की नवीन तकनीक को जन आंदोलन के साथ जोड़ दिया। अर्थात लोगों के जन आंदोलन अर्थात लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह की, सत्य धन आग्रह, सत्य के द्वारा किया गया, सत्य की राह पर चलकर किया गया आग्रह, तो इस नई तकनीक को उन्होंने जन आंदोलन के साथ जोड़ दिया। सत्याग्रह का अर्थ सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनना है। तो सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनना, उसका अनुसरण करना, सत्य और न्याय का अनुसरण करके आगे बढ़ना, उसे कहते हैं सत्याग्रह। अन्याय करने वाले व्यक्ति को संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य और न्याय का बोध कराना तथा उस व्यक्ति का मन परिवर्तित करना सत्याग्रह का उद्देश्य है। व्यापक क्वेश्चन बनता है कि सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य है कि पहला उद्देश्य है अन्याय करने वाले व्यक्ति पर संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य और न्याय का
बोध कराना, उन्हें उसका अनुभव कराना, यही जो है सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य है। सत्याग्रही व्यक्ति के सत्याग्रही व्यक्ति ने हिंसा अथवा असत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए, यह गांधी जी की सीख थी। तो गांधी जी की क्या सीख थी? गांधी जी की सीख थी कि व्यक्ति ने सत्याग्रही व्यक्ति अर्थात जो सत्याग्रही व्यक्ति है, जो सत्य का आग्रह करने वाला व्यक्ति है, सत्याग्रही व्यक्ति ने हिंसा अथवा असत्य का उपयोग कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहिए, यही गांधी जी की सीख थी। कालांतर में केवल भारत में ही नहीं अपितु अनेक देशों की जनता ने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सत्याग्रह मार्ग का अंगीकार किया। अमेरिका के अश्वेत वर्णियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला पर गांधी जी ने सत्याग्रह पर बहुत प्रभाव पड़ा। अर्थात गांधी जी का ये जो सत्याग्रह था उसका प्रभाव यहाँ पर मार्टिन लूथर, अमेरिका में जो अश्वेत वर्ण थे, जो काले वर्ण के लोग थे, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग थे, जिन्होंने जिन पर सत्याग्रह का गांधी जी के सत्याग्रह का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला पर भी गांधी जी का प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के जीवन पर किसका अधिकार पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के जीवन पर गांधी जी के सत्याग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अब हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे कि सत्याग्रह किस तरह से यहाँ पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किया। बिहार के चंपारण क्षेत्र, बिहार में चंपारण एक क्षेत्र का नाम है, तो बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिक भारतीय किसानों पर नील की फसल उगाने पर जबरदस्ती करते थे। नील की खेती की जाती थी जो कि एक नगदी फसल है, तो जो अंग्रेज थे वो बिहार के लोगों पर, बिहार के चंपारण का जो गांव था, क्षेत्र था, वहां के लोगों को जबरदस्ती इस खेती के लिए मजबूर करते थे। यह नील निर्धारित दामों पर ही बागान मालिकों को बेचने की शक्ति की जाती थी, अर्थात अंग्रेज जो दाम निर्धारित करते थे उसी दाम पर उसे बेचना अनिवार्य था। परिणाम तक किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी, अर्थात जितनी उसकी लागत होती थी वह लागत भी उन्हें प्राप्त नहीं होती थी। और यहाँ पर जब सब नील की खेती करते थे तो जो अनाज खाने योग्य खाद्यान्न फसलें हैं उसकी कमी होती गई। परिणामतः गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण गए और वहाँ उन्होंने किसानों को संगठित कर सत्याग्रह पद्धति से आंदोलन किया। और गांधी जी द्वारा भारत में किया गया यह आंदोलन सफल रहा और किसानों के साथ न्याय हुआ, अर्थात किसानों को न्याय भी मिला, उनकी मांग के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। तो इस तरह से सत्याग्रह में जो है गांधी जी सफल बने। दूसरा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया खेड़ा सत्याग्रह। अब यह जो है गुजरात के खेड़ा जिले में लगातार अकाल पड़ने से फसलों की अत्यंत दुर्गति होती गई, अर्थात जब अकाल पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो वहां पर किसानों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर भी सरकार द्वारा बला लगान वसूल किया जा रहा था, अर्थात किसान जो है उसके ऊपर लगान टैक्स, फसल की टैक्स जो होती है वह वसूल किए जा रहे थे, जबकि किसानों को फसल की उपज नहीं हो रही थी, उन्हें खाने योग्य फसल नहीं था, फिर भी अंग्रेज उसकी मांग किए जा रहे थे। तो गांधी जी ने किसानों को लगान अदा न करने की सलाह दी। तब स्थानीय किसानों ने, जो वहां के किसान थे,
स्थानीय किसानों ने 1918 में खेड़ा जिले में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया, अर्थात हम लगान नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह में सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया। इसका खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो गांधी जी ने किया और अल्पावधि में ही सरकार ने लगान माफ़ कर दिया, अर्थात उन्हें लगान नहीं देना पड़ा। तो इस तरह से खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी सफल हुए। अब अगला देखेंगे हम अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन, कि किस तरह से सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर गांधी जी ने अनेकों जो मसले थे, जो तकलीफें थी, जो दुख दर्द थे, उसे उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय महंगाई बहुत बढ़ गई थी, मिल श्रमिकों ने वेतन वृद्धि मांगी, परंतु मिल मालिकों ने इन मांग को ठुकरा दिया। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अब ये घटना जो है वह अहमदाबाद की घटना है, अहमदाबाद का श्रमिक जो मजदूर थे उन्होंने आंदोलन किया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है महंगाई बढ़ गई थी, और महंगाई बढ़ने के कारण उन सभी ने, जो मजदूर थे, उन्होंने वेतन वृद्धि मांगी। गांधी जी की सलाह पर श्रमिकों ने हड़ताल और अनशन किया। अनशन अर्थात बिना खाए पिए रहना। तो इस तरह से गांधी जी ने के अनुसार उन्होंने अनशन किया। गांधी जी भी श्रमिकों के साथ अनशन पर बैठे। अंत में मिल मालिक पीछे हटे और श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हुई। अर्थात इस तरह से उन्होंने श्रमिकों का, मजदूरों का वेतन जो है सत्याग्रह पे अनशन के मार्ग से उन्होंने दिलाया। तो इसमें भी गांधी जी सफल रहे। अब हम अगला देखेंगे रौलत कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, रौलत एक्ट जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था, तो उसका विद्रोह किस तरह से किया। रौलत कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों के हितों के निर्णय लिए जाएंगे, उत्तरदायी सरकार लाई जाएगी, ऐसा भारतीयों को लग रहा था। वस्तुओं के बढ़ते दाम, करों में हुई वृद्धि आदि आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है हमारा, कारण लिखो का, कि भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था, कारण लिखो। तो यहाँ पर कारण लिखो में फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया था। दूसरा पॉइंट, युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों के हितों के निर्णय लिए जाएंगे, उत्तरदायी सरकार लाई जाएगी, ऐसा भारतीयों को लग रहा था। तीसरा पॉइंट, वस्तुओं के बढ़ते दाम, करों में हुई वृद्धि आदि आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। अर्थात भारतीय जो थे वह अंग्रेजी सत्ता से असंतुष्ट थे। अंग्रेज सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए और उस विषय के उपाय सुझाने के लिए सर सिडनी रौलट नामक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। तो यहाँ पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई, सर सिडनी रौलट नामक एक अधिकारी था जिसकी अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार 17 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय सदस्यों द्वारा किए गए विरोध को न मानते हुए एक नया कानून बनाया गया, उसे रौलत एक्ट कहते हैं। अभी यहाँ पे रौलत एक्ट कानून
किसने बनाया था? यहाँ पे रॉलट एक्ट कानून जो है सर सिडनी रॉलट नामक अधिकारी की अध्यक्षता में बनाया गया। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना जांच पड़ताल किए बंदी बनाने का, न्यायालय में मुकदमा दायर न करते हुए कारावास में बंदी बनाकर रखने का अधिकार सरकार को दिया गया था। तो रौलत एक्ट में सरकार को कौन सा अधिकार दिया गया था? रौलत एक्ट में सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि भारतीयों को, सिर्फ भारतीयों को, ब्रिटिशर्स को नहीं, भारतीयों को किसी भी जांच पड़ताल किए बिना उन्हें बंदी बनाया जा सकता है, न्यायालय में मुकदमा न दायर किए बिना ही उन्हें कारावास में डाल दिया जा सकता है। अर्थात उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसका गुनाह क्या है और उसे जो है कारावास की सजा दी जाती थी। तो भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया। भारतीयों ने किसे काला कानून कहकर संबोधित किया? तो यहाँ पर उत्तर मिलता है हमको, भारतीयों ने रौलत कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया। या यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीयों ने रौलत एक्ट को खाली स्थान कहकर संबोधित किया, तो हमको उत्तर मिल गया काला कानून कहकर संबोधित किया। इस कानून के विरुद्ध पूरे देश में क्रोध की लहर फैल गई। जाहिर सी बात है कि जब इंसान को पता ही नहीं होगा उसकी गलती क्या है, तो बिना गलती को कोई भी इंसान सजा भुगतना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए सभी भारतीय जो थे इस कानून से असंतुष्ट थे। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रौलत कानून को विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया गया। तो देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान कब और क्यों किया गया? यहाँ पर हमको उत्तर मिलेगा कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रौलत कानून का को विरोध दर्शाने के लिए, इट मीन्स रौलत कानून का विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी हड़ताल करने का आंदोलन किया गया, आह्वान किया गया। अब हम इसके बाद देखेंगे जलियांवाला हत्याकांड। अभी आप इसे पहले भी पढ़े होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रौलत कानून के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा की गई थी। इस आंदोलन में पंजाब प्रांत में प्रखर स्वरूप धारण किया। अमृतसर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। रौलत एक्ट कानून का विरोध का प्रमुख केंद्र कौन बना? अमृतसर। सरकार ने इस दमन तंत्र प्रारंभ किया। गांधी जी को पंजाब प्रांत में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित किया गया। अर्थात ब्रिटिशर्स जो थे वो जानते थे कि गांधी जी सत्याग्रही हैं, तो इसलिए उन्होंने गांधी जी को वहां पर प्रतिबंधित कर दिया था। और जनरल डायर ने अमृतसर में सभाएं लेने पर प्रतिबंधित आदेश लागू किया था। अर्थात लोग जो है ब्रिटिश के बारे में, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारतीय एकजुट होंगे तो वो जरूर विद्रोह करेंगे, इसलिए वो एकजुट ना हो पाए तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि सभाएं ना ले सके, इसलिए जनरल डायर नामक ब्रिटिशर्स ने एक कानून बनाया था। अमृतसर में हड़ताल करने के विषय में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया गया था। अर्थात इन्होंने जब हड़ताल शुरू की तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अमृतसर में बंदी बनाकर रौलत एक्ट के कानून के अनुसार उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो इस घटना की निंदा करने हेतु 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर की जलियांवाला बाग में बैसाखी त्योहार के दिन सभा का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर की जलियांवाला बाग में बैसाखी त्योहार के लिए लोगों ने सभा का आयोजन किया। इस समय जनरल डायर सेना की गाड़ियां लिए वहां आया। वहां पर जैसे कि जनरल डायर ने प्रतिबंध लगाया था कि किसी भी सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा, किंतु अमृतसर में लोगों ने जो है उन्होंने
एक सभा का आयोजन किया था। जालियांवाला बाग के मैदान में बाहर जाने का एक ही सकरा मार्ग था। अब जालियांवाला बाग जो मैदान था वहाँ पे एक ही मार्ग जाने के लिए, बाहर जाने के लिए बना हुआ था, तो उस मार्ग को बंद किया गया और बाग में इकट्ठे हुए निशस्त्र और निरीह लोगों पर बिना कोई सूचना दिए अंधाधुन गोलियां चलाई गई। बंदूकों के 1600 चक्र लगाने के बाद गोलियां समाप्त होने के कारण गोलाबारी बंद हुई। तो इस तरह से यहाँ पर जनरल डायर, जिसे काला दिन के रूप में जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को, तो यहाँ पर अमृतसर में जो लोकसभा में सम्मिलित हुए थे वो बेचारे निशस्त्र थे और उन निशस्त्र लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलानी शुरू की, और जो कि 1600 चक्र लगाने के बाद वो गोलियां समाप्त हुई, अर्थात अंधाधुन गोलियां चलती रहीं। और इस निशंग नरसंहार में 400 स्त्री पुरुष मारे गए, लगभग 400 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, अनगिनत लोग हताहत हुए। गोलाबारी के तुरंत निषेधक मतलब कर्फ्यू घोषित की जाने के बाद की जाने से घायलों पर तुरंत उपचार नहीं हो सका। चारों तरफ कर्फ्यू लगाया गया जिसके कारण लोगों को अस्पताल लेकर जाना मुश्किल हो गया। संपूर्ण पंजाब की में सैनिकी कानून लागू कर सरकार ने अनगिनत लोगों को जेल में बंद किया। इस नरसंहार के लिए पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर उत्तरदायी था। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गवर्नर माइकल ओडायर उत्तरदायी था। पूरे देश में इस कानून की निंदा और भर्त्सना की गई। सभी लोगों ने इसकी निंदा की, इसकी आलोचना की और हत्याकांड के निषेध के रूप में रविंद्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए सर खिताब उपाधि का त्याग कर दिया। यहाँ पे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को सर की उपाधि प्राप्त थी, तो उन्होंने मनाही करते हुए, क्योंकि यह जो है भारतीयों पर किया गया अत्याचार था, इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी सर उपाधि का, सर खिताब का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सर उपाधि का त्याग क्यों कर दिया? तो उत्तर हमको क्या मिलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए खिताब का त्याग इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अंग्रेज सरकार के जो ये हत्याकांड था, हत्याकांड के निषेध के रूप में उन्होंने उसका त्याग कर दिया। या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हत्याकांड के निषेध के रूप में रविंद्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए खिताब उपाधि सर का त्याग कर दिया। आगे चलकर भारतीयों ने इस नृशंस हत्याकांड की जांच की मांग की। तो इस तरह से यह जो है आपको टिप्पणी लिखो में पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताइए या जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। अब इसके बाद जो है हम अगला देखते हैं खिलाफत आंदोलन, कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन किया गया और किसने किया। तुर्किस्तान का सुल्तान विश्व के मुस्लिमों का खलीफा अर्थात धर्म प्रमुख था। तो यहाँ पर विश्व का मुस्लिमों का खलीफा अर्थात धर्म प्रमुख कौन था? तो मुस्लिमों का खलीफा अर्थात तुर्किस्तान का सुल्तान, जो तुर्किस्तान का सुल्तान था वो विश्व के मुस्लिमों का खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की इंग्लैंड के विरोधी गुट में था, अर्थात इंग्लैंड के विरुद्ध में जो है तुर्किस्तान खड़ा था। तो युद्ध में भारतीय मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद खलीफा के साम्राज्य को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, यह आश्वासन इंग्लैंड के प्रधानमंत्रियों ने दिया था। परंतु युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैंड ने अपने आश्वासन का पालन
नहीं किया, परिणाम स्वरूप मुस्लिमों में आक्रोश की लहर व्यापक हुई। यहाँ पर हमें कारण लिखो के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुस्लिमों में आक्रोश की लहर व्यापक हुई, कारण लिखो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट रहता है तुर्किस्तान का सुल्तान विश्व के मुस्लिमों का खलीफा अर्थात धर्मगुरु होता है। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की इंग्लैंड के विरोधी गुट में था, तो युद्ध में भारतीय मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद खलीफा के साम्राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, यह आश्वासन इंग्लैंड ने प्रधानमंत्री ने दिया था। परंतु युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैंड ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया, परिणाम स्वरूप मुस्लिमों में आक्रोश का लहर व्याप्त हुआ। खलीफा को समर्थन देने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। तो भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? खलीफा को समर्थन देने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो खिलाफत आंदोलन किसे कहते हैं? खलीफा को समर्थन देने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन प्रारंभ किया और इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस उद्देश्य को लेकर यदि हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया जाए तो सरकार निश्चित रूप से सही रास्ते पर आएगी, ऐसा गांधी जी ने सोचा। फलतः गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और सरकार के साथ सहयोग करने के गांधी जी के प्रस्ताव को खिलाफत कमेटी ने मान्य किया। इस समय हिंदू मुस्लिम एकता में विशेष रूप से दर्शन हुए। तो इस तरह से हमने देखा कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी समर्थन दिया।